नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के मजीठा के 22 साल के युवक का शव पहुंचा भारत। 24 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से दुबई में हुआ था निधन। शिवशंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री श्याम बाबा खाटू वाले के प्रथम मूर्ति स्थापना दिवस पर करवाई गई भजन संध्या। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्राप्त किया आशीर्वाद। अब हलचल विस्तार से। अपने असाधारण सेवा कार्यों के लिए दुनिया भर में जाने जाते एवं दुबई के प्रमुख व्यवसायी और सर्वदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर एसपी सिंह ओब्रॉय के प्रयासों से बीती रात मजीठा के नजदीक गांव श्याम नगर के 22 वर्षीय पलविंदर सिंह का शव दुबई से अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरबत दा भल्ला ट्रस्ट के नेता सुखदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि पलविंदर सिंह भी अन्य युवाओं की तरह बेहतर भविष्य का सपना लेकर 2 महीने पहले ही दुबई गया था। 24 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ओब्रॉय ने कहा कि उन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी भारतीय दूतावास द्वारा दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी अमृतसर टीम को पीड़ित परिवार के पास भेजकर शव को भारत लाने में आ रही दिक्कतों की जानकारी मिलने के बाद तुरंत दुबई में अपनी टीम के माध्यम से और दुबई में भारतीय दूतावास के सहयोग से सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर पलविंदर सिंह के शव को भारत भेज दिया है। उन्होंने कहा कि शव को भारत भेजने का खर्च पलविंदर की कंपनी ने दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साहिल है जी, तो मैं अपने इतने भतीजे की एक डेड बॉडी रिसीव करना आया वहाँ, तो वो दुबई के 15 दिन पहले वो डैथ हो चुकी सी हार्ट अटैक के नाल। तो मैं डॉक्टर एस बी ओब्राई जी का धन्यवाद करता कि उन्होंने यत्न सदका ये बॉडी इस सानू प्राप्त हो रही है। तो मैं इन्हों तो मांग भी करदा कि वो बहुत ही परिवार जड़ा बहुत ही लोड़वंद परिवार है। एक ही उन्होंने को कमरा वा, तो बच्चा उदा सी जड़ा मतलब कि इस दुनिया तो जा सका जा चुका वा। तो मैं इन्हों को डॉक्टर एस बी ओब्राई की संस्था को एक हाथ जोड़ के बेनती करदा कि उन्होंने वध तो वध मदद की जाए, मालिशा तक की जाए, तो उन्होंने मदद की जाए। मेरा नाम सुखदीप सिद्धू है, मैं सरबत दा भला ट्रस्ट के माझा जोन का एडवाइजर हाँ। अज असी इतने आए हैं, अमृतसर टीम साड़ी सारी जी माझा जोन की टीम आ सारी इतने आई आ। मजीठा नेड़े श्याम नगर पिंड का नौजवान सी, 22 साल का नौजवान पलविंदर सिंह, सन ऑफ रजिंदर सिंह, असी भाईचारे चों सी, बड़े गरीब भाईचारे दे विचों सीगा, गरीब परिवार चों सी। ये रोटी रोजी की कमाई लई दुबई गया सीगा, ऐसी पहली बार गया सीगा, ते लगभग 15 दिन पहला इहदी उत्थे मौत हो जाती है। तो परिवार इन्ना समर्थ नहीं सीगा कि सारा करके भज नट करके तो वो जी दत्तक दे है इतने वापस लिया सके, तो वो जोड़े जो भी कार व्यार आ अंतम जरा संस्कार संबंधी कर सकन। सो परिवार ने डॉक्टर एस पी सिंह ओब्राई नाल जरा संपर्क साध्या, तो उत्थे जिहड़ी कंपनी च काम करता सी उस कंपनी ने सारा खर्चा करके तो सारे दस्तावेज जिहड़े आ डॉक्टर एस पी सिंह ओब्राई होरां दी अगवाई हेठ सरबत दा भला ट्रस्ट की टीम ने उत्थों तैयार करके तो अज गुरु रामदास एयरपोर्ट रायसर सी विखे जी डेड बॉडी भेजी आ। ये लगभग 370वीं मृतक दे आ जी हुण तक इतने पंजाब दे विच जिहड़े सूबे के होरना सूबे के जां भारत के वख वख हिस्सों के जिहड़े लोग है इतने पहुँच चुके हैं, जिन्हां दी मृतक दे आ चुकियां ने अपने उन्हां परिवारां नूं अपने प्यारियां दे अंतम दर्शनां दे नसीब प्राप्त होए ने। सो 370 दे करीब जिहड़ियां हुण तक आ चुकियां ने। एक हुशियारपुर तो पता लगा सीगा कि जिहड़ियां 2 नौजवानों की मौत हुई है, उन्होंने एक दा परिवार के सहयोग के नाल परिवार की मर्जी के नाल उन्होंने प्रवानगी उत्थे संस्कार करता गया। दूजी दी जिहड़ी आ वो डेड बॉडी इत्थे जल्दी वो भी आ रही आ, कुछ दिनों तक पंचायत वालों लिख के भेजा गया सीगा कि उन्होंने संस्कार उत्थे करता जाए। इस तों अलावा एक मलेरकोटले तो एक कपूरथले तो
ते एक इस तरह ही वक् वक् थावां तो कोई तीन चार अंबाला तो मृतक दियां जिहड़ियां उत्थे अजे पईआं ने जिहड़ियां आउण वाले दिनां दे विच डॉक्टर एस सिंह राय होरां दी अगवाई हेठ जिहड़े सारे उहनां दे कारवाई करके दस्तावेजी काम करके पूरे वो इत्थे भेजियां जाणगे। शिव शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी शिवनगर जालंधर की तरफ से श्री श्याम बाबा खाटू वाले का प्रथम मूर्ति स्थापना दिवस पर शिव शंकर मंदिर शिवनगर सोढ़ल रोड में भजन संध्या करवाई गई। इस दौरान श्याम का दरबार फूलों से सजा और पूरा पंडाल इत्र से महक रहा था। श्री खाटू श्याम भजन संध्या में श्री श्याम बाबा का गुणगान करने के लिए भजन गायिका साक्षी अग्रवाल एंड पार्टी जयपुर वालों ने श्री श्याम बाबा का गुणगान किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व CPS KD भंडारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, आप नेता नवदीप मदान नेडी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त कर सभी कमेटी सदस्यों को इस शुभ कार्यों के लिए बधाई दी। इस अवसर पर शिवशंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन गुरदत्त शिंगारी, प्रधान राम नरेश अग्रवाल, वरिंदर महेंद्र, राजेश अग्रवाल, अरुण कोहली, जतिंदर चोपड़ा, राजकुमार शर्मा, सुरेंद्र भाटिया, आशीष कोहली, गिनी चोपड़ा, पवन सिंघल, प्रमोद बांसल ने आए हुए सभी अतिथियों को विशेष रूप से सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कुछ होते हैं जय 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 हनुमान कहो श्री राम खुश होते हैं। जय 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 हनुमान कहो श्री राम खुश होते हैं।
भक्त नहीं है, हनुमान सा भक्त नहीं है, हनुमान सा भक्त नहीं है। श्री सिद्ध बाबा सोढ़ल जी के 17 सितंबर को होने वाले मेले की गतिविधि का जायजा लेने एवं सुरक्षा के मद्देनजर जो भी तैयारियां करनी है उसके संदर्भ में सिद्ध बाबा सोढ़ल ट्रस्ट द्वारा एडीसीपी तेजवीर सिंह हुंदल, एसीपी नॉर्थ शीतल सिंह एवं एसएचओ थाना 8 गुरमुख सिंह के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेले में आने वाले भक्तों की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया और मेला स्थान को देखा गया और वहां का अच्छे से जायजा लिया गया। इस मौके पर चड्ढा बिरादरी के प्रधान विपन चड्ढा बब्बी, चेयरमैन श्यामलाल चड्ढा, महासचिव संजय चड्ढा, अविनाश चड्ढा, अतुल चड्ढा, विवेक चड्ढा, जेबी चड्ढा सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बाबा सोढ़ल आज मेले संबंध में एसीबी नॉर्थ मंदिर जायजा लैन आए थे। उन्होंने सानू विश्वास दवाया वा जो भी कमियां पेशियां मंदिर परिसर के अंदर है वो जल्दी तो जल्दी हल हो गई हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सबसे पहले मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया। इसके पश्चात भजन गायक प्रदीप पुजारी एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की इस चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषा अध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जगबंदी त्रिभुवन की माता ओंकारा देवी विश्वविदाता, घट घट में मां तेरा बसेरा, मंगलमयी है दर्शन तेरा, जटा तुम्हारी भव है हारी,
ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ
ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਦੀਏ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਦੀਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਦੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਤਾਰਦੀਏ ਇੱਕ ਵੇੜੇ माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्बा पिंड चौक जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के नियमित श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रूपम प्रभाकर से विधिवत वैदिक रीति रिवाज अनुसार पंचोपचार पूजन नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। इस मौके पर सिद्ध माँ बगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित प्रभु भक्तों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणेश उत्सव एक महान उत्सव है। आस्था का दामन थामे भक्तों का उत्साह गणेश उत्सव के समय शिखर पर होता है। नवजीत भारद्वाज जी प्रवचन करते हुए कह रहे थे कि भगवान गणेश से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं और वे हमें कई शिक्षाएं प्रदान करती हैं। गणपति भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और स्वयं महादेव ने गणेश जी को किसी भी शुभ कार्य में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज पूनम प्रभाकर सरोज बाला सुनीता नवीन कुमार निर्मल अनिल सागर दीपक प्रिंस कुमार पप्पू ठाकुर बलदेव सिंह बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। हवन यज्ञ के उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी दी सबनों लाख लाख मुबारकां। हर साल दे तरह इस साल भी मोहल्ला रियाजपुरा दे विच बड़ी धूमधाम दे नाल सारे असीं गणपति जी नूं लैके आए हां। सो असीं भगवान जी दे अग्गे नतमस्तक हां और बेनती करदे हां कि सारिआं दे विघनां नूं दूर करनगे और असीं सारे मिलके गणपति महोत्सव मना रहे हां मोहल्ला रियाजपुरा दे विच। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर के मजीठा के 22 साल के युवक का शव पहुंचा भारत। 24 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से दुबई में हुआ था निधन। शिवशंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री श्याम बाबा खाटू वाले के प्रथम मूर्ति स्थापना दिवस पर करवाई गई भजन संध्या। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्राप्त किया आशीर्वाद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त तो होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।